Everyone, this is Somya, and in today's GK Short Short series, we are going to talk about COP 26. Now, in this lecture, we will talk about why it is a news, what is COP, and how does it work. Further, we will talk about what were the key concerns that were discussed in COP 26, and what were the commitments that were made by India on this uh, COP 26. So, let us start with this question.

अब ये स्टार्ट कब से हुआ इसकी हिस्ट्री जो है या फिर वी कैन से द ओरिजिन ऑफ द सीओपी कैन बी ट्रेस्ड टू 1992. 1992 ये वो समय था जब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे हर एक जगह दिखने लग गया था और इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए ग्लोबल लीडर्स ने यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं इन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव डिस्कशन की जरूरत है एनवायरमेंट इशूज को डिस्कस करने के लिए इसी एनवायरमेंटल इशूज को डिस्कस करने के लिए नाइनटीन में ऑर्गेनाइज किया गया एक समिट जिसे कहा गया अर्थ समिट Okay so this earth summit it was organized in 1992 in Rio de Janeiro अब ये जो अर्थ समिट था यहां पे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा एंड फाइनली वी कैन सी कि पे काफी सारे कन्वेंशन जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए दैट मीन यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज एंड दी अदर इशूज से रिलेटेड और इन्हीं बहुत सारे कन्वेंशन में से एक कन्वेंशन था आपका united nations framework convention on climate change, that is unfccc, united nations framework convention on climate change. now, year UNFCCC unhcccc, tha. Iska objective, kya tha? Iska objective tha. Uh, it called for the collective response against the climate change, or we can say the multilateral response to fight the climate change. क्योंकि यहां पे कहा गया कि यूनिनेटरल अप्रोच नहीं रख सकते हम कोई एक कंट्री नहीं है जो एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है या कोई एक कंट्री नहीं है जिससे इंपैक्ट हो रहा है ठीक है सारे कंट्रीज जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सारे ही कंट्रीज जो हैं इन पे हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज के सो so, यहाँ पे इस क्लाइमेट चेंज के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है इन्हें कम करने के लिए यानी कि क्लाइमेट को सेव करने के लिए हमें कलेक्टिव रिस्पांस रख, रखना पड़ेगा यानी कि कलेक्टिवली एज अ यू नो कलेक्टिवली एफोर्ट करना पड़ेगा एंड टेक दी मेजर्स अगेंस्ट दिस क्लाइमेट चेंज तो इस तरह की कुछ बात की गई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में नाउ ये जो यूएनएफसीसी है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में दैट मीन्स यहां पे ये साइन किया था मोर देन 160 कंट्रीज ने

वो डिसाइड करते हैं कि वो गैदर होके हर साल एक मीटिंग करेंगे जिसे कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओके और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये स्टार्ट हो गई थी आपकी 1995 में जो फर्स्ट सीओपी है वो कहां पे हुआ ये हुआ आपका 1995 में इन बर्लिन जर्मनी ठीक है बर्लिन जर्मनी में कंडक्ट हो, होता है आपका फर्स्ट सीओ पी Now, कुछ चीजें के बारे में हमें पता होनी चाहिए that is, ये तो है एक convention, कि यहां पे हैं बहुत सारे protocols और बट इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिसीजन लेना जरूरी है स्टेप्स लेना जरूरी है मेजर्स लेना जरूरी है और इन अचीवमेंट्स के लिए यानी कि uh, in ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मेजर्स या स्टेप्स लेने हैं ये, कौन लेगा? ये लेंगी वो जिन्होंने इसको साइन किया है क्लाइमेट चेंज uh, इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं जो मेजर्स लेने हैं उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का काम कौन करेगा ये करेगा आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ

जो है किया and अगर देखा 197 1995 जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अब अगर हम बात करें रिसेंटली कौन सी कॉन्फ्रेंस uh, हुई है तो ये हुई है ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ओके सो दैट कि इससे पहले भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिएगे ट्वेंटी फाइव मीटिंग्स जो हुई है उसमें काफी सारे डिक्लेरेशन होंगे काफी सारे एग्रीमेंट्स होंगे एंड टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी सी ओ पी जो है इसकी भी अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है अब समझ लेते हैं कि सीओपी ट्वेंटी सिक्स इतना ज्यादा जरूरी क्यों है देखिये सीओपी ट्वेंटी सिक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि COP26 जो है ना इसके पहले बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ है इन फैक्ट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका COP21 सो टू अंडरस्टैंड दैट ओपी COP26 इज सो इंपॉर्टेंट यू हैव टू गो बैक टू दी सीओपी COP21 सीओपी जो है ये कहां पे हुआ था ये हुआ था 2015 में इन पेरिस। ठीक है यस yes, राइट right. यही पे साइन हुआ था इसी सीओपी21 में साइन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट ठीक है और इसी पेरिस एग्रीमेंट में हमने किया था कुछ कमिटमेंट ये कमिटमेंट था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दैट मींस प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस समय पे जो अर्थ का एवरेज टेंपरेचर था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा हम एफोर्ड नहीं कर सकते इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा क्लाइमेट का जिससे ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाए या फिर ह्यूमन रेस जो है उसको बहुत ज्यादा हार्म होगा ओके okay, सो so ऐसे हेल्थ और डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो होते हैं इससे बचने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से सिर्फ और सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लिमिट करें ग्लोबल वार्मिंग को दैट मीन उस समय में जो टेम्परेचर रहा होगा एवरेज उससे सिर्फ और सिर्फ वन डिग्री ही बढ़ना चाहिए इससे ज्यादा नहीं देखिए ये क्यों जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं क्लाइमेट डिटीरियरेट होता जा रहा है कंडीशन वर्स एंड दी वर्स्ट होती जा रही है एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन दिस इज एन एमरजेंसी टूडे वी हैव टू टेक दी मेजर वेट फॉर टुमॉर ऑल्सो ठीक है इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉरी किया टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉरी सीओपी ट्वेंटी सिक्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सारी कंट्रीज जो है वो अपने एनडीसी जो है उनको डिक्लेयर करेंगे नाउ वॉट इज दिस एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ टारगेट सेट करना ही सब कुछ नहीं है सारे कंट्रीज को ये बताना पड़ेगा कि वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उनका क्या रोड मैप है इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सो so, यहाँ पे कंट्रीज जो है उन्हें ये बताना था कि उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उन्होंने किस तरीके से इस पूरे टारगेट को जो है वो अचीव करना है उन्होंने किस तरीके के प्लान जो है वो ड्रॉ किए हैं दैट मींस कंट्रीज को प्रेजेंट करना था अपना रोड मैप टू अचीव अंडर दिस पेरिस एग्रीमेंट नाउ ये सीओपी ट्वेंटी सिक्स जो है वो कितना सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता था इन एनडीसी पे कि कंट्रीज क्या रोड मैप प्रेजेंट कर रहे हैं कंट्रीज अगर एक प्रॉपर रोड मैप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एंड जस्ट टेक इट एज अ डायलॉग सीरियसली नहीं ले रहे हैं दे आर जस्ट टेकिंग एज अ डायलॉग ठीक है दैट दिस इज गोइंग टू बी बिग फेलियर अगर कंट्रीज अच्छे कमिटमेंट्स करते हैं और प्रॉपरली अपनी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए सो दिस सीओपीटी सिक्स वॉज गोइंग टू बी दी So कितना तो सक्सेसफुल होता या नहीं होता लेकिन रिजल्ट क्या रहा आफ्टर दीओपी ट्वेंटी सिक्स वी कैन से मिक्सड काफ रिजल्ट क्योंकि काफी सारे अचीवमेंट थे काफी सारे डिसमेंट भी थे ठीक है हम डिस्कस करेंगे सारी ही चीजों को यानी कि में क्या ट्वेंटी अचीवमेंट्स रहे क्या हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स रहे कौन से एरियाज हैं जहां पे हमने डिस्कशन किया और एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकाला और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है सो नाउ लेट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई एडप्टेशन की ओके सो दिस वाज द मेन पॉइंट दैट वाज डिस्कस दैट इज द एडप्टेशन अब एडप्टेशन से क्या मतलब है देखिए जो भी हम हम कॉज कर चुके हैं एनवायरनमेंट को उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते उसे हम चेंज नहीं कर सकते दी ओनली थिंग वी कैन डू इज टू मिटिगेट

Uh, बहुत ज्यादा वो इफेक्ट ना हो हम ये इंश्योर कर सकते हैं उनके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के बारे में इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा एक्सेसिव रेन और दी ड्राउट वी कैन सी एक्सट्रीम हॉट हीट वेव्स ठीक है राइज इन टेम्परेचर ये सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये क्यों हो रहे हैं ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंज इससे क्या हो रहा है

अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली ह्यूमन बट दी दी फ्लोरा द्लाइमेट चेंज इसके अलावा हम देख सकते हैं काफी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वहां पे किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकती है जैसे वो लाइवलीहुड अपना अर्न करें अल्टीमेटली पीपल है ठीक है सब सहारन डेजर्ट सॉरी uh, सब सहारन रीजन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोन है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से सो so, ये सारी चीजें जो है वो हम देख सकते हैं एट प्रेजेंट नाउ अब ये जो इम्पैक्ट है इसे कम कैसे किया जा सकता है हम प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड करें ठीक है ये करें कि जो लोग क्लाइमेट चेंज से हो रहे हैं एटलीस्ट उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी हो एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारे पास में जो हेल्थ कॉज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी सिवियोरिटी को कम करने के लिए ठीक है उसे मिटिगेट करने के लिए अल्टीमेटली हमें इस तरह के कुछ मेजर्स जो है वो लेने जरूरी हैं अब यहाँ पे के अंदर हमने बात की मिटिगेशन की कि किस तरीके से हम रिवर्स नहीं कर सकते बट एटलीस्ट मिटिगेट कर सकते हैं यानी कि इफेक्ट्स को लेसन कर सकते हैं उसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं सिचुएशन की मिटिगेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं एक तो पहली बात की गई कि हमें टारगेट सेट करने होंगे दैट द देशन ऑफ द टारगेट्स अब हमें देखिए बहुत अच्छे से क्लाइमेट के ऊपर पता है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते दैट मींस वी हैव अ टारगेट ठीक है अब हमें उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए ही अपने मेजर्स जो है अपने स्टेप्स जो है वो अंडरटेक करने पड़ेंगे इन दी सेम वे मिटिगेशन के लिए भी हमारे पास टारगेट्स होने चाहिए कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड है कितना हम बिल्ड कर रहे हैं कितने डॉक्टर्स हमें रिक्वायर्ड है क्या टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन जो इफेक्ट हो रहा है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होने चाहिए हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू सफर विद दिस एंड अल्टीमेटली उनका नंबर जो है हम कैसे कम कर सकते हैं ठीक है जो लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उन्हें रिसेटल कैसे किया जाएगा कितने लोग इफेक्ट होंगे तो ये पूरा एक स्टैटिस्टिक्स बिल्डअप करना जरूरी है टारगेट्स को सेटअप करना जरूरी है तो यहाँ पे बात हुई दी फॉर्मुलेशन ऑफ टारगेट्स रिलेटेड टू मेटिगेशन के बारे में इसके बाद में बात हुई फंडिंग की देखिए फंडिंग क्यों जरूरी है क्लाइमेट चेंज से हो रहा है इफेक्ट और इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए रिक्वायर्ड है फंडिंग क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है फंडिंग की जरूरत है माइग्रेटेड लोगों को रिसटल करना है फंडिंग की जरूरत है तो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अवेलेबल करवाया जाए इसके बारे में यहाँ पे बात हुई सो दीज दी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर दिटिगेशन मिटिगेशन और वी कैन से दी एडेपेशन फर्दर जो नेक्स्ट बात की गई वो की गई फाइनेंस दी अर्थ मींस फाइनेंशियल एड के बारे में अभी जैसे हमने बात की थी कि फंड्स क्यों रिक्वायर्ड है तो कुछ स्टैटिक्स uh, हमारे सामने डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग नेशन uh, को एड प्रोवाइड करेंगे कितनी हंड्रेड बिलियन डॉलर की क्यों करेंगे क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हार्म हुआ है एनवायरमेंट को ये कॉज करने में मेजर कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज का है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ वहां पे एमिशन ज्यादा हुए वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ इन सारी चीजों की वजह से यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो एक्टिविटीज थी इसके वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो कॉज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंड अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो किस पे हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड पे हो रहा है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी हो रहा है ठीक है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड है क्योंकि एक्टिविटीज वाले ही डेवलप्ड कंट्रीज की थी लेकिन क्लाइमेट पे जो इफेक्ट हुआ है वो पूरा वर्ल्ड उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो हम कह सकते हैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है

डेंसिंग करेंगे ठीक है और 100 बिलियन डॉलर्स जो है इसका फंड प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए टू फाइट दी क्लाइमेट चेंज एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो ये uh, 100 बिलियन डॉलर्स जो है ये प्रोवाइड किए जाने थे बाय द ईयर 2020 ठीक है बट एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ देते हैं 15 बिलियन डॉलर यानी कि अभी तक सिर्फ 15 बिलियन डॉलर की ही फंडिंग की गई है मोर देन 70 बिलियन डॉलर की फंडिंग स्टिल रिक्वायर्ड है नाउ ये 70 बिलियन डॉलर की फंडिंग जो है वो आएगी कहां से तो यहाँ पे रिसेंटली uh, सॉरी सीओपी ट्वेंटी सिक्स जो है इसमें बात हुई और कहा गया कि रिमेनिंग जो फंडिंग है वो आने वाले टाइम में की जाए किस तरीके से की जाए 2025 तक ये जो 15 बिलियन डॉलर है इसको तो एटलीस्ट डबल कर दिया जाए यानी कि ट्वाइस कर दिया जाए सेकेंडली ये कहा गया कि 2025 के बाद में यानी कि इमीडिएटली तो अभी आपको क्या करना है ट्वाइस करना है 15 को 30 करना है 30 बिलियन डॉलर करना है फर्दर आप क्या करोगे 2025 के बाद में स्केल अप करोगे बहुत ज्यादा स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा ये hmm. इंश्योर करना पड़ेगा कि फंडिंग प्रोवाइड हो डेवलपिंग को. तो ये है कुछ जिसके साथ में फंडिंग जो, जो है उसको एनहांस किया जाएगा उसको स्केल अप किया जाएगा नाउ दर्ड पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो डिस्कस हुआ था वो था अबाउट द कार्बन मार्केट नाउ कार्बन मार्केट आखिर है क्या इसको समझ लेते हैं देखिए सीओपी अगर बात करें तो पहले बहुत सारे COP हुए हैं जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट COP हुआ था नाइनटीन नाइनटी सेवन में और ये हुआ था कहां पे ये हुआ था क्योटो नाम की जगह में जो कि जापान में है और यहाँ पे ही साइन हुआ आपका क्योटो प्रोटोकॉल सो दिस क्योटो प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन सीओपी थ्री इन नाइनटीन और ये जो सीओपी में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था कार्बन इसमें कहा गया कि कंट्रीज को जो भी आपके सिग्नेचरीज है उन्हें एफोर्ड करना होगा कि वो अपने कार्बन एमिशन को कट डाउन करे इनफैक्ट कार्बन एमिशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ दैट वॉज द कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट नाउ वॉट वॉज दिस कार्बन ट्रेडिंग मार्केट यहां पे बात की गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है यहां पे कैपिंग की जाएगी यानी कि कोई भी कंपनी जो है कितना कार्बन एमिशन की जा कर सकती है ये डिसाइड किया जाएगा नाउ एक थ्रेश जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा एक लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी कि इससे ज्यादा कंपनी जो है वो एमिशन नहीं कर सकती अब अगर किसी कंपनी को इससे ज्यादा एमिशन करना है तो क्या होगा अगर इससे ज्यादा किसी कंपनी को एमिशन करना है तो ये जो एक्स्ट्रा एमिशन वो कर रही है ये उसे खरीदना पड़ेगा ये उसे परचेज करना पड़ेगा ठीक है पर टन के हिसाब से जो एमिशन है वो उसे परचेज करना पड़ेगा अब परचेज करना है तो कोई सेल भी करना होगा तभी तो आप परचेस करोगे तो ये मिलेगा कहाँ पे ये आपको मिलेगा उन कंपनी से जिन्होंने अपने थ्रेश से कम एमिशन किया है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज दो कंपनीज है एक है एमिटर ए और एक है एमिटर बी ये जो आप लाइन देख सकते हो दिस इज देश की दोनों ही जो कर, uh, companies है, वो एमिशन जितना कर सकती थी ठीक है सपोज ये था हंड्रेड टन हंड्रेड टन का एमिशन जो है ये डिसाइड किया गया एज दी थ्रेशोल्ड कंपनी जो है वो क्या कर सकती है हंड्रेड टन का एमिशन कर सकते हैं अब इस कंपनी ए ने क्या किया कंपनी ए ने किया 120 टन का एमिशन, ठीक है और कंपनी बी जो है इसने क्या किया इसने किया 70 टन का एमिशन ये देख सकते हो इसने सिर्फ इतना एमिशन किया यानी कि 70 टन का एमिशन किया है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये जो कंपनी ए इसने अपने लिमिटेड जो डिसाइडेड थ्रेशोल्ड था इससे ट्वेंटी टन ज्यादा एमिशन किया है तो अब इसे ये ट्वेंटी टन का जो एमिशन है वो परचेज करना पड़ेगा और ये परचेज किससे कर सकता है जिसके पास सर्प्लस हो के भी, भी, पास होगा, यानी एमिटर बी कंपनी इसके इतना था हंड्रेड टन का बट इसने किया सिर्फ सेवेंटी टन का ही ओ, एमिशन है दैट मीनस ये थर्टी टन जो है ये इसके पास क्या है इसे कहते हैं सरप्लस या फिर इसे कहा गया क्रेडिट कार्बन क्रेडिट इसे कहा गया कार्बन क्रेडिट दैट ये जो एमिटर बी है अब इसने अपने थ्रेश से कम कार्बन अगर एमिट किया है तो ये इतना एमिशन जो सरप्लस में था इसे क्या कर सकता है इसे सेल कर सकता है इस कार्बन क्रेडिट को जो इसने एक्वायर किया है इसे सेल कर सकता है ठीक है तो अब ये एमिटर ए को सेल कर देगा अपना कार्बन क्रेडिट जो है थर्टी है इसके पास 30 में से टन रिक्वायर्ड एमिटर ए को तो ये अपने ट्वेंटी टन जो है वो क्या करेगा एमिटर ए को सेल कर देगा अब ये कॉन्सेप्ट आया क्यों था देखिए जब आपको तो परचेज करना पड़ेगा ना एमिशन के राइट्स, यानी कि एमिशन को परचेज करना पड़ेगा तो क्या होगा कंपनीज जो है वो एनकरेज होंगी लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी की तरफ यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा और डेवलप की जाएंगी लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड जो एमिटर बी है ठीक है इसके पास क्या रहेगा इसके पास कार्बन क्रेडिट रहेगा अब प्रॉब्लम क्या थी काफी सालों से इशू चला आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने तो ओवर द टाइम पिछले जो 10 20 इयर्स है वहां पर किए बहुत सारे एमिशन और इनने बहुत एक्स्ट्रा एमिशन भी करे हैं तो ऑन अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वहां पे इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन था नहीं तो इनने इनके एमिशन जो है बहुत ज्यादा कम है इनके पास बहुत सारा कार्बन क्रेडिट जो है वो इकट्ठा हो गया है अब ये डेवलपिंग कंट्रीज इन्होंने अपना कार्बन क्रेडिट जो है वो इकट्ठा करके रखा था जिसमें से इंडिया भी एक है कि हमारे पास जब बहुत सारे कार्बन क्रेडिट हो जाएंगे तो हम इसे बाहर ग्लोबल मार्केट में सेल कर देंगे ये पूरा इशू जो है वो न्यूज में है क्यों क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज ने कार्बन क्रेडिट इकट्ठे करके रखे हैं कि इतना एमिशन जो है वो हम सेल कर देंगे। ऑन अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है आप क्या कहते हैं आप कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल को खत्म किया जाए इस प्रोविजन को खत्म किया जाए और इंश्योर किया जाए कि नए सिरे से चीजें जो है वो शुरू की जाएंगी ठीक है ये पूरा एक डिस्प्यूट चल रहा था जिसको सॉर्ट आउट किया गया और कहा गया कि ये जो कार्बन क्रेडिट एक्वायर करके रखे हैं कंट्रीज ने ये सेल कर सकते हैं तो फाइनल डिसीजन ये आया है कि ये अब ग्लोबल लेवल पे कार्बन क्रेडिट को सेल कर देंगी और ये मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर सम मोर टाइम तो इस तरह का कार्बन मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन इसमें हुआ था विच वॉज एन अचीवमेंट जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को राइट मिला अपने कार्बन क्रेडिट को सेल करने का नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन से जैसे कि मीथेन के रिडक्शन की बात हुई थी तो यहाँ पे क्या कहा गया कि थर्टी परसेंट रिडक्शन जो है मीथेन का मीथेन इज अट सी एच फोर एंड इट इज अ ग्रीन हाउस गैस ठीक है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है वो जो हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग सो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और कहा गया कि यह इंश्योर किया जाएगा बाय टू थाउजेंड थर्टी मीथेन के, के जो एमिशन है इनको भी रिड्यूस किया जाए इनको भी कम किया जाए बाय बात हुई के ऊपर देखिए अगर कार्बन एमिट हो रहा है तो कार्बन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी डेवलप करना जरूरी है और कार्बन एब्जॉर्ब कैसे होता है ये वेटलैंड्स में होता है ये प्लांट्स में होता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है का काम करती है कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी फॉरेस्ट है ना इसलिए यहां पे बात की गई कि जो हमने हार्म किया है फॉरेस्ट को वो हमें रिवर्स करना होगा दैट मींस अब हमें एफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ना होगा और जो फॉरेस्ट कवर है इसको इंक्रीज करना होगा फर्दर इसके लिए टारगेट सेट किए जाएंगे कि कितना फॉरेस्ट कवर जो है वो हमें इंक्रीज करने की जरूरत है ग्लोबल लेवल पे देन बात हुई जीरो एमिशन व्हीकल्स के ऊपर ठीक है यहाँ पे टारगेट रखा गया 2040 को और 2040 तक कहा गया कि हमें जो फ्यूल यूज्ड या फिर जो आपके पेट्रोल डीजल व्हीकल्स होते हैं रन व्हीकल्स होते हैं इनको यू uh, नो you know, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ठीक है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना होगा जिससे कि व्हीकल से जो एमिशन है एटलीस्ट हम उसे कट डाउन कर सकें अच्छा रिसेंटली uh, इंडिया ने तो काफी सारे स्टेप्स लेना शुरू भी कर दिया है इनफैक्ट in इंडिया ने तो काफी टारगेट्स जो है वो भी सेटअप किए हैं इंडिया ने ऑलरेडी 2030 तक uh, अपना टारगेट रखा है कि 30 परसेंट व्हीकल्स जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से और जो 70 परसेंट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से सो ऑलरेडी इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन दिस जीरो एमिशन व्हीकल्स इसका जो डायरेक्शन है इसमें सो वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि डिस्कस हुई ग्लोबल लेवल पे अब बात कर लेते हैं इंडिया ने क्या कमिटमेंट्स किए थे ठीक है तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीएम मोदी ने और पीएम मोदी ने पंचामृत जो है इसको इंट्रोड्यूस किया अब पंचामृत में पीएम मोदी ने दिए पांच इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स ठीक है सो so पंचामृत

कैपेसिटी है उसको एनहांस कर देंगे बाय 500 गीगावाट एट प्रेजेंट कितनी है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी है 100 गीगावाट की ठीक है जिसमें से 40 गीगावाट जो है वो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बट कहा गया है कि अब हम इसे रिप्लेस करेंगे और ये जो हमारी कैपेसिटी है जो अभी सिर्फ 100 गीगावाट की है इसे एनहांस करके कर देंगे 500 गीगावाट ठीक है 2015 में हमने कमिटमेंट uh, किया था कि 175 गीगावाट तक का जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है हम अपनी पावर जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो uh, है उसे इशू करेंगे बाय 175 गीगावाट लेकिन ये हमने रिव्यू कर दिया और अब इसे एनहांस कर दिया है 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी हम डेवलप करेंगे बाय द ईयर 2030 जैसे हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पूरी हो ना कि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर आपका सोलार एनर्जी होता है इन सब का विंड एनर्जी है इन सब का यूज करना सेकेंड कहा गया कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं वो कितने हैं हमारी जितनी भी टोटल एनर्जी की नीड्स हैं वो हम 50 परसेंट तक एनहांस करेंगे जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से अभी अगर हम देखें तो हम अपनी पावर जनरेशन के लिए इनफैक्ट इंडिया इज दर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर इन दी वर्ल्ड ऑन दी अदर हैंड एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके पावर जनरेट करने वाले भी हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं ओके सो इंडिया ने ये uh, जो कमिटमेंट है दिया है कि बाय 2030 हम ये इंश्योर करेंगे कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पावर जनरेशन करें जो भी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 50 परसेंट दैट मींस वी आर गोइंग टू फुलफिल 50 परसेंट ऑफर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट्स बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोबेबली इसमें बात की जा रही है सोलार एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको एनहांस करने की फर्दर हमने कहा कि हम अपना वन बिलियन कार्बन एमिशन जो है वो 2030 तक वन बिलियन कार्बन टन का जो कार्बन एमिशन uh, है इसे डिक्रीज कर देंगे रिड्यूस कर देंगे बाय 2030 अब ये हम कैसे करने वाले हैं तो हम सबको पता है कि हम व्हीकल से बहुत ज्यादा एमिशन होता है तो टू तक हमारे टारगेट्स uh, है तो काफी हद तक तो हो सकता है कि इससे हम कार्बन एमिशन जो है वो कम कर रहे हैं एंड फर्दर वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स लो कार्बन टेक्नोलॉजी ठीक है So, इस तरीके से ओवरऑल पैकेज हम बनाएंगे जिसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि 2030 तक जितना एमिशन हम करने वाले थे उससे एटलीस्ट वन बिलियन टन एमिशन जो है वो हम कम करें उसको हम रिड्यूस कर दें। सो दिस इट। बात कही गई जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है इसे हम 45 परसेंट तक कर देंगे रिड्यूस बाय 2030 दैट मींस जो हम कार्बन एमिशन करते हैं इसके लिए हमने 2000 सॉरी uh, सीओपी जो हुआ था ठीक है सीओपी 21 जो हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे हमने कहा था कि हम 30 से 35 33 से 35% परसेंट लगभग अपनी जो कार्बन uh, एमिशन है इसे कम कट डाउन करेंगे ठीक है लेकिन इसी को हमने रिवाइज कर दिया और हम हमने ये कहा है कि 2030 तक हम अपनी 45% परसेंट तक के जो कार्बन एमीशन्स हैं इसको यू uh, नो you know, इसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे लास्ट फाइनली इसी को अचीव करते हुए इसी में, कार्बन न्यूट्रल बाय कार्बन होता है क्या हम पूरे ऑटोमोबाइल्स को बंद किया जा सकता है क्या कार्बन कार्बन एमिशन से भी होता है हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं कार्बन एमिट होता है ठीक है तो कार्बन के एमिशन को पूरी तरह खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं है दी ओनली थिंग स जितना कोई भी कंट्री एमिशन कर रहा है कंट्री ये इंश्योर करे की वो ये टेंडेंसी डेवलप करे की उतना एमिशन जो है उसे एब्जॉर्ब भी किया जा सके कार्बन एब्जॉर्ब कैसे होता है वेटलैंड कंजर्व करने से बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट कवर जो है उसे एनहांस करने से तो इंडिया जो है मेजर्स क्या लेगा इंडिया मेज़र्स लेगा कि वो अपना कार्बन यू नो, लो कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज करे जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो और फिर ये इंश्योर करें कि हम एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें जिसमें ये जो uh, थोड़ा बहुत एमिशन हम कर रहे हैं ये हमारे ही देश में एब्सॉर्ब हो जाए दैट मीन्स जो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एमिट कर रहे हैं कार्बन उतना कार्बन जो है वो एब्सॉर्ब हो जाए इसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रल होना क्या कोई कंट्री अभी कार्बन न्यूट्रल है तो यस अगर बात की जाए भूटान सुरीने ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है or they have become the carbon neutral country india a target of okay, 2070 ka, that india will become carbon neutral by 2070 so these were the five important commitments given by india in cop26 uh, guys now let's टॉक अबाउट दी क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपसे पूछा था लेट इस डिस्कस एड इन विच इंटरनेशनल कंसेंश इंडिया डिसाइडेड और इंडिया डिक्लेर्ड टू रिड्यूस थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट कार्बन एमिशन

पेरिस एग्रीमेंट में हमने कमिटमेंट दिया था कि हम अपना जो कार्बन एमिशन है इसे 30 से 35% तक कट डाउन कर देंगे लेकिन 2000 सीओपी uh, 26 में जो 2021 में हुआ है हमने ये कमिटमेंट को रिवाइज कर दिया है और अब इस 30 35% का जो हमारा टारगेट था इसे रिवाइज करके कर दिया है 45

आप लोगों को प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड है नाइस टू एवरी वन थैंक यू